आर्थिक मोर्चे पर सरकार की आलोचना को लेकर प्रधानमंत्री ने आज लगभग सारे जवाब दे दिए। उन्होंने मौका जो भी चुना हो, लेकिन इसको जोड़कर इसी से देखा जाएगा कि अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा के बोलने के बाद शायद प्रधानमंत्री को जवाब देने की ज़रूरत ज़्यादा हो गई थी। एक और बात जो बार बार कही जा रही थी और वो आलोचना इस बात को भी लेकर हो रही थी कि जो बीती तिमाही रही उसमें अर्थव्यवस्था की तरक्की की रफ्तार बहुत कम हो गई, और ये चिंता की बात थी भी, क्योंकि ज़्यादातर अर्थशास्त्र के जानकार ये कहने लगे थे कि क्या अब ये जो नोटबंदी और GST उसका बुरा असर इसके ऊपर पड़ने लगा है जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है। और अच्छी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि वो अर्थशास्त्र के जानकार नहीं हैं, आर्थिक मामले नहीं समझते, लेकिन वो अपने वर्तमान के लिए, सिर्फ अपना वर्तमान अच्छा हो इसके लिए वो भविष्य चौपट नहीं कर सकते हैं देश का। और कम से कम मैं अर्थशास्त्र का एक सामान्य विद्यार्थी होने के नाते और समाज पर राजनीति और अर्थशास्त्र का जो असर पड़ता है उसका एक विद्यार्थी होने के नाते इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए हैं, लंबे समय में उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जो जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह की घटना, खास करके मुझे लगता है कि GST तो एक प्रोसीजरल एक व्यवस्था है जिसको कोई भी सरकार लेके आते ही हो सकता है कि कम हुआ, ज़्यादा हुआ, सही था कि नहीं, जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक नहीं, ये सब बातें हो सकती हैं, लेकिन वो होना ही था, कोई भी सरकार करती। साहसिक फैसला नोटबंदी था, और नोटबंदी इसलिए क्योंकि इस देश में बरसों से भ्रष्टाचार का जो तंत्र तैयार हो गया था और भ्रष्टाचार को जो सामाजिक मान्यता मिलने लगी थी उसमें शायद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा ये सबको पता था। लेकिन ये समझने की बात है कि अगर 10% की भी तरक्की हो रही है और उस तरक्की का बड़ा हिस्सा करप्शन के से कमाए पैसे की वजह से उन लोगों के पास चला जाता है जो बहुत तेज़ी में अमीर हो रहे हैं, और उसका बहुत कम हिस्सा उन लोगों के पास आता है जो गरीबी की रेखा से नीचे उठते हैं, नीचे से ऊपर उठते हैं, तो शायद उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.5-7% भी रहती है और उसका बड़ा हिस्सा जो समाज के आखिर में खड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा 2 पायदान ऊपर लाने में ज़्यादा हो तो शायद वो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ मेरी प्रधानमंत्री जी से एक गुजारिश है, और वो ये है कि लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी वो लंबे समय से बनाते रहे हैं। वो दिल्ली में भाजपा की राजनीति करते हुए, संघ से प्रचारक के तौर पर आते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का तय किया होगा, फिर मुख्यमंत्री रहते हुए धैर्यपूर्वक प्रधानमंत्री बनने का तय किया होगा, फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तय किया होगा कि इस तरह की चीज़ें हम करेंगे, और लॉन्ग टर्म सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन अभी अर्थव्यवस्था में शॉर्ट टर्म फैसले लेने की तुरंत ज़रूरत है, और वो ज़रूरत इसीलिए है कि दरअसल लोकतंत्र में आप काम कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, और आप भले न कहें लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं अपना वर्तमान ठीक करने के लिए देश का भविष्य नहीं बिगाड़ सकता, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि देश का भविष्य ठीक रखने के लिए भी आपको रहना पड़ेगा। अगर आप चुनाव में हैं, लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था के लिए आपको लोगों को शॉर्ट टर्म के भी फायदे देने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जो काम चल रहे हैं वो चलें, लेकिन रोजगार को लेकर जो पूरे के पूरे रियल इस्टेट सेक्टर में जो अलग अलग, जैसे मैं नोएडा में खड़ा हूँ और यहाँ की मैं बात करूँ, तो मेरा ये मानना है कि जो ये 1.5-2 लाख फ्लैट यहाँ NCR में बने हुए हैं, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, ये कोई GST या नोटबंदी की वजह से नहीं मंदी आ गई है यहाँ, यहाँ पिछली सरकारों के और अथॉरिटी के करप्शन की वजह से ये सब हुआ है। और अगर उसको आप एक तरह से ठीक कर पाएँ, आप चूँकि योगी सरकार भी BJP की है, अगर वो बात कर पाएँ, वो मंत्रियों की समिति बनाने से नहीं होने वाला है, उसको हर बिल्डर के प्रोजेक्ट, हर जो दिवालिया हो रहे हैं, जो दिवालिया नहीं हो रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट, उनको निपटारा करना होगा उनके आधार पर, उनकी जैसी मुश्किलें हैं। कोई मंत्रियों की समिति वो नहीं कर सकती क्योंकि उनको जवाबदेही नहीं होती, वो मंत्री होते हैं, उनके अपने विभाग का काम होता है। तो इस तरह की ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे अगर ध्यान दिया जाए, और उन मतलब उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि नौकरी मिल रही है, नई नौकरी बन रही है, और साथ में जिनके पास नौकरी है उनके जीवन स्तर में थोड़ा सुधार हो रहा है, ये दिखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे चलिए। आपने आज जो भी बातें कही हैं उससे पूरी तरह मैं सहमत हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता छोटे फ़ायदों को भी देखती है, और वो फ़ायदा उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि इतने दबाव के बाद 2 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम करना
वो शायद और पहले हो जाना चाहिए था। ऐसे भी फैसले सरकार को बीच बीच में लेने चाहिए और लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसी है उसका धरातल ठीक रहे, सेंटिमेंट ठीक रहे, आम लोग ठीक उसके पक्ष में बात करें, इसके लिए भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट बहुत ज़रूरी है।